हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। 27/8/2023 को जो मध्य प्रदेश में MPSET उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की लेकर हम हाजिर हुए हैं। और याद रहे कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है और इसमें एक दो सवाल इधर उधर हो सकते हैं, और लेकिन हमने इसको 100% सही बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल में गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसको सुधार किया जा सके। आइए आते हैं पहले सवाल पर। सवाल नंबर 51 है, कहने लगा कि देखो कि चल राह बेखबर, मैं भी कभो किसी का सर पर गुरूर था। इस शेर में किस रदीफ का इस्तेमाल किया गया है? क्या पूछा है? रदीफ का इस्तेमाल किया है। देखिए, किसी शेर में जब रदीफ चेक करना हो तो उसका जो दूसरे में मिसरे का जो लास्ट वाला होता है उसी में रदीफ चेक किया जाता है। रदीफ जो लास्ट में, यानी लिखा हुआ है था, तो था दो लफ्ज़ों से दो हर्फ से मिलकर बना हुआ है, थे और अलिफ, तो इसका रदीफ क्या है? अलिफ हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, अलिफ। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, न क्यों कर मतलब दीवान हो मतला महर वहदत का, कि हाथ आया है रोशन मिसरे अंगुस्ते शहादत का। किस शायर के दीवान का पहला शेर है? तो किस शायर के दीवान का ये पहला शेर है? इसका जवाब हो जाएगा मोमिन। आते अगले सवाल पर। सवाल है कि किस शायर ने अपने अशार में सनात तलमीह का इस्तेमाल ज़्यादा किया है? सनात तलमीह का इस्तेमाल किसने किया है? आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल ने किया है। अल्लामा इकबाल की शायरी में सनात तलमीह ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन के एतबार से देखेंगे कि ऑप्शन में कौन है, हजरत मौनी, मोमिन, गालिब, मीर, तो अगर इस ऑप्शन के एतबार से देखा जाएगा तो गालिब के यहाँ जो है सनात तलमीह ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अल्लामा इकबाल आपको जहन में रहना चाहिए। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल के यहाँ पाई जाती है, फिर गालिब के यहाँ, उसके बाद फिर आता नंबर। आते हैं सवाल नंबर 54 पर। सवाल नंबर 54 है कि फ़ानी बदायूनी हयात शख्सियत और शायरी किसकी तसनीफ है? ये किसकी तसनीफ है? ये है मोगनी तबस्सुम की। अगला सवाल है, जिगर का शेरी मजमू आतिश गुल का पेश लफ्ज़ जिगर मेरी नज़र में के उनवान से किसने लिखा था? तो ये आतिश गुल का जो पेश लफ्ज़ लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। ठीक है, इसका पेश लफ्ज़ किसने लिखा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अगर पूछा जाए कि इसका दीबाचा किसने लिखा, आतिश गुल का दीबाचा, तब इसका जवाब होता है आल अहमद सुरूर। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पेश लफ्ज़, और उस पेश लफ्ज़ का नाम रखा है जिगर मेरी नज़र में, किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। आते हैं अगले सवाल पर। यास यगाना चंगेज़ी की तारीख़ पैदाइश क्या है? यगाना चंगेज़ी कब पैदा हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 1884 में। ठीक है, 1884, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। गज़ल किसके कलाम का मजमूआ है? गज़ल मजरूह सुल्तान पूरी। अगला सवाल है, शहरयार को उनके शेरी मजमूआ पर इस्मे आज़म पर कौन सा अवार्ड मिला था? इस्मे आज़म जो लिखा है इस पर कौन सा ही सरस्वती तो मिला नहीं है, भारत रत्न भी नहीं मिला, ज्ञानपीठ नहीं मिला, ये मिला है गालिब अवार्ड। इसका जवाब क्या हो जाएगा? गालिब अवार्ड। ठीक है, सरस्वती सम्मान दो लोगों को मिला है, शमसुर्रहमान फारूकी और नय्यर मसूद को। ठीक है, भारत रत्न किसी मिला नहीं, और ज्ञानपीठ चार लोगों को मिला आपको मालूम है, तो उसमें इनका नाम नहीं है, ये हो जाएगा गालिब। 58 नंबर हो गया। फिर अगला सवाल है, इश्क नामा किसकी है? ये हो जाएगी इरफान सिद्दीकी। फिर है 60 नंबर पे, हाशिए किसकी तसनीफ है? अंदाजे हाशिए ये फिराक गोरखपुरी की है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 61 है, नज़्म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम ना किया गया हो? तो मतलब कि ये जो है वज़न बराबर हो लेकिन उसमें काफ़िया रदीफ़ वगैरह ना हो, क्या हो जाएगी? मुअर्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नज़्म मुअर्रा। ठीक है, फिर अगला सवाल है, बर्क कलीसा किस शायर की नज़्म है? बर्क कलीसा, ये हो जाएगी
किसकी हो जाएगी ये, अकबर इलाहाबादी, 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पर। अल्ताफ हुसैन हाली ने नज्म बरखारुत कहाँ पढ़ी थी? तो बरखारुत, निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन, मनाजर रहमान साहब, ये सब कहाँ पढ़ी थी? अंजुमन पंजाब में। चार नज्में इन्होंने पढ़ी थी, अंजुमन पंजाब लाहौर में। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 64। इनमें से कौन सी नज्म इस्माइल मेरठी की है? तो आसार सल्फ हो जाएगी। 64 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। आते हैं अगले सवाल पर, 65। किस शायर ने अपनी नज्म में मिर्ज़ा गालिब को जर्मनी के मशहूर शायर गोएटे का हमनवा करार दिया है? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिखी है, उसका नाम है मिर्ज़ा गालिब, और उसमें लिखते हैं कि आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन वीमर में तेरा हम नवा खाबीदा है। ठीक है, तो वहाँ हम नवा जो है ये गोएटे को कहा गया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं अगले सवाल पर। इन नज़मों में से किसका ताल्लुक जंग आज़ादी से है? तो जंग आज़ादी से किसका है? शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। ठीक, फिर आते हैं सवाल नंबर 67 पर। इनमें से कौन सी नज्म मीरा जी की नहीं है? कलर का नगमा मोहब्बत ये तो है, समुद्र का बुलावा भी है, जात्री भी है, ठीक है, चांद तारों का बन नहीं है, ये मखदूम की है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त हो जाएगा। 67 के बाद आते हैं 68 पर। 68, ये दाग दाग उजाला ये शबे गुजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। तो ये शेर फैज़ अहमद फैज़ की किस नज़म में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुबह आज़ादी। किस में? सुबह आज़ादी, तो आंसर का बी हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। बरहना पांव जलती रेत यख बस्ता हवाओं में, गुरीजा बस्तियों से मदरसों से, खानकाहों में, ये शेर अख्तरुल ईमान की किस नज़्म में है ये? तो क्या हो जाएगा? एक लड़का, इसका जवाब हो जाएगा एक लड़का, 69 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं सवाल नंबर 70 पर। जिस नज़्म में शहर की बर्बादी तबाही का जिक्र नहायत दरमंदी के साथ पेश किया था, उस नज़्म को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे शहर आसूब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 का। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दास्तान तराजी मंजुमले फ़नून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। दास्तान के फ़न के बारे में ये कौल किसका है, यानी ये बात किसने कही दास्तान के बारे में? इसका जवाब क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब, इसका जवाब मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर बी। आते अगले सवाल पर। फजली ने करबल कथा किस बादशाह के अहद में लिखी थी? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाही अहद में, ठीक है, मोहम्मद शाही, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते अगले सवाल पर। करबल कथा का मखतूता किस मुल्क के कुतुब खाने में मिला? तो कहाँ मिला था ये? तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी में एक कुतुब खाना था, उसका नाम था ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी, उसी में एक कुतुब खाना था, लाइब्रेरी थी, वहाँ पे मिला था। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पर। दास्तान बागो बहार के पहले दरवेश का ताल्लुक किस मुल्क से है? पहले दरवेश का पूछा है, तो पहला आपको मालूम है कि यमन, ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यमन, 74 का जवाब हो जाएगा यमन। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पर। किस दास्तान को डंकन फार्बस ने लंदन से शाया किया था, 1846 में शाया किया था, किसको? बागो बहार को, ठीक है, ये जो है लंदन से शाया हुई थी, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर अगला सवाल है कि 76, नाटक सागर किसकी तसनीफ है? तो नाटक सागर किसकी है? मोहम्मद उमर वो नूर इलाही, ये दो लोग हैं, मोहम्मद उमर और नूर इलाही दोनों ने मिलकर किताब लिखी है, नाटक सागर इसका नाम है। ठीक, फिर अगला सवाल है कि ड्रामा यहूदी की लड़की का मरकज़ी मौजू क्या है? यहूदी की लड़की आगाज कश्मीरी का इसका मरकज़ी मौजू है दो कौमों की तबकाती कश्मकश, ठीक, इसका मौजू है। 77 पर हम लोग पहुँच गए, अब आते हैं 78 पे।
उर्दू के किस ड्रामे को उर्दू ड्रामा निगारी के दौरे जदीद का नक्श अव्वल और संग मील तसव्वुर किया जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? अनारकली। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 का ऑप्शन नंबर बी अनारकली। ये जो है जहाँ भी आ जाएगा जदीद दौरे जदीद का नक्श अव्वल तो अनारकली को कहा जाएगा। अगला सवाल है 79। गालिब की जिंदगी पर मोहम्मद हसन ने कौन सा ड्रामा तख्लीक किया था? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? कोहरे का चांद, ऑप्शन नंबर सी। 79 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि ड्रामा ज़िहाक पहली बार किस रसाले में शाये हुआ था? पहली बार किस में? असरी अदब। इसका जवाब हो जाएगा असरी अदब, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 81। इनमें से किस अफसाना निगार ने पूरी कायनात को एक तिलिस्म ख्याल या हुस्न कदे के तौर पर पेश किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कुरतुलैन हैदर। ठीक है, इसका जवाब लग रहा है कुरतुलैन हैदर ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन हम लोग फाइनल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है जहाँ तक लग रहा है कि कुरतुलैन हैदर ही इसका जवाब है। आगे देखिए अगला सवाल। बेदी के किस अफसाने में सीता नाम किरदार है, यानी सीता के नाम से कौन किस में किरदार है? तो किस में है? इसमें हो जाएगा बब्बल, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बब्बल। ठीक है, फिर आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83, किशन चंद्र के हद दर्जा मिसालियत। देखिए ये सवाल ऐसा है कि अभी इसका जवाब नहीं मिल पाया है, और हालांकि इसका जवाब गोपी चंद नारंग लग रहा है, लेकिन जो है हम लोग फाइनल की आंसर का इंतज़ार करेंगे, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर। प्रेमचंद के अफसाने मजमू वारदात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? वारदात में कितने हैं? वारदात में कुल 13 शामिल हैं। तो 84 तक हम लोग पहुँच गए। फिर आते हैं अगले सवाल पर कि मुसन्निफ़ और उसके अफसाने की सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें देखिए अगर हम ऑप्शन एक से मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर एक से, एक का तीन यानी एक का तीन और एक होना चाहिए। ठीक है, तीन एक, तो तीन में कुरतुल्लैन हैदर है और दो सैया, ये कुरतुल्लैन हैदर का है, ये इसका ऑप्शन नंबर एक ही दुरुस्त है। ठीक है, फिर दो का चार देखेंगे, दो का चार देखेंगे यानी मंटू का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बासित, मंटू ने बासित के नाम से लिखा है। फिर तीन का एक यानी कुरतुलैन हैदर ने दो सैया के नाम से लिखा हो तो ठीक है, और ये जो है दो का चार फिर हो जाएगा। ये तो सारा ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ये जो है वही दुरुस्त है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर, 86 पर। इनमें से कौन सा किरदार मेहनतकश तबके के इनकलाबी शऊर का तर्जुमान है? हूरी, झुनिया, गोबर, झिंगुरी सिंह। तो इसमें पूछा है मेहनतकश तबके का वो किरदार है, लेकिन उसका जो है वो जो है इनकलाबी शऊर का है, तो जो उसका बेटा रहता है, उसका बेटा जो रहता है गोबर, वही इनकलाबी शऊर का है। ठीक है, बाकी तो ये हूरी सीधा साधा गाँव का किसान रहता है, लेकिन उसका जो बेटा है उसके अंदर इनकलाबी शऊर होता है। अगला देखिए, इनमें रतननाथ सरसार की पहली तसनीफ कौन है? रतननाथ सरसार तो फसाने आजाद इसका जवाब हो जाएगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर, इनमें से कौन सा नाविल देहात और शहर दोनों की जिंदगी के शोर और शर को अपने दामन में समेटे हुए है? इसका जवाब हो जाएगा गोदान। आते हैं अगले सवाल पर, इनमें से इस्मत चुगताई का अफसाना कौन सा है? इस्मत चुगताई का है अफसाना, इसमें बीमार बीमार के नाम से उन्होंने एक अफसाना लिखा है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 90। सुरेंद्र प्रकाश ने जदीद इंसान के मसाइल को अपना निशाना बनाया है, उसकी कहानियाँ जबान व बयान के एजाज और तह दर तह अलामतों की मानवीयत की वजह से मुमताज है। मरकोज़ा बाला राय किसने दी है? तो ये किसका कौल है? ये कौल है गोपीचंद नारंग का। आते हैं अगले सवाल पर,
तहकीकी इस्तिलाह तौकीयत से क्या मुराद? तौकीयत के माने होता है किसी अदीब की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तसानीफ को सन और तारीख वो इंदराज को दर्ज करना। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं सवाल नंबर 92 पर। 92 है, हाल ही के तनकीदी शऊर की नशोनुमा में हालात के अलावा तीन शख्सियतों ने बड़ा असर डाला। हाल ही के तनकीदी शऊर में किसने किसने? एक सर सैयद ने, एक मिर्ज़ा गालिब ने, और एक कौन थे अफसर के एतबार से? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंजुमन पंजाब लाहौर, वहाँ भी जो है हाल ही ने नज़्म वगैरह पढ़ी, और हाल ही में जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिल करके एक अहम काम वहाँ पर लाहौर में किया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब आते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि दर्ज ज़ेल में से किसका शुमार तहकीक व तदवीन अरकाने अरबा में नहीं होता है? ठीक है, तहकीक व तदवीन, तो तहकीक व तदवीन में कौन है? तहकीक व तदवीन में ये लोग, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, और इनका नाम आता है, फिर काजी अब्दुल वदूद है, तदवीन में इनका भी नाम आता है। ठीक है, तो किसका शुमार नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका भी हम लोग फाइनल कई आंसर का इंतज़ार करेंगे। क्लियर है ना? तो इसमें तो ये तीनों तो लग रहा है 100%, लेकिन जो है ये इसका हम लोग फाइनल की आंसर का इंतज़ार करेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन के मिसाल किसे मिसाल और बुधशिखन मुहक्किक कहते हैं? प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, तो बुधशिखन मुहक्किक कौन है इसमें से? काजी अब्दुल वदूद। अगर बुधशिखन नक्काद पूछा जाता कलीमुद्दीन अहमद हो जाते, अब बुधशिखन मुहक्किक काजी अब्दुल वदूद। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 95। सवाल नंबर 95 तो इसमें है, दर्ज ज़ेल में कौन से बयानात दुरुस्त हैं? तो इसमें देखेंगे तो इसमें आ जाइए कि ऑप्शन नंबर बी पर आ जाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है ये वाला ऑप्शन, इसमें नहीं है, क्योंकि नाकिद जो है के लिए महर वफा और आशना, ये सारी चीज़ें नाकिद के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी से जान पहचान नहीं, किसी के साथ वफा नहीं करना है, तो इसका हो जाएगा ये वाला नहीं रहेगा, यानी एक दो और चार जिसमें है वही दुरुस्त होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पर। काजी साहब के मुजामीन दरअसल शख्सी नोट्स होते हैं जिन्हें कोई इंसाफ परदाद मजबून की शक्ल में लिख दे तो जाज़ी तवज्जो हो जाए। काजी अब्दुल वदूद के बेरंग व बेकैफ उसलूब के बारे में दर्ज बाला ख्यालात किस मुहक्किक क्या है? तो किसने ये बात कही है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। देखिए, काजी अब्दुल वदूद के बारे में बहुत सारी बातें ज्ञानचंद जैन ने कही है, तो इसका जवाब हो सकता है ज्ञानचंद जैन। इसका फाइनल की का हम लोग इंतज़ार करेंगे इसमें भी। ठीक है, लेकिन इसका जवाब यही हो सकता है। आगे अगला सवाल है, दर्ज ज़ेल में कौन सा तذکرہ नकात उशोरा की मुखालफत में लिखा गया? नकात उशोरा के जवाब में कौन सा तذکرہ लिखा गया? लिखा गया तذکرہ रेख्ता गोया। ये किसने लिखा है? फ़तेह अली गर्देजी। फ़तेह अली गर्देजी ने तذکرہ रेख्ता गोया लिखा है नकात उशोरा के जवाब में। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 98। अमीर कैकाउस बिन सिकंदर ने अपने बेटे की तरबियत और पंद नसीहत की गर्ज से कौन सी किताब लिखी थी जो फारसी शहरियात की रवायत और फारसी तनकीद की इब्तदाई शक्ल साबित हुई? तो अमीर कैकाउस बिन सिकंदर की कौन सी किताब है? काबूसनामा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर, 99। मोहिद्दीन कादरी जोर ने किस तरह के तस्करों को ज़्यादा अहम करार दिया है? इसका जवाब नहीं मिला है, इसका जवाब ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन जो है फाइनल की का इसमें भी इंतज़ार करेंगे। आइए अगले सवाल पर। दावा अरस्तु ऐरियत के बजाय वाकफियत पर जोर देता है,
ठीक है। और फिर दलील में दिया गया अरस्तु का जहन मंतिक और फिक्र मारूजी और मिजाज साइंसी था। तो ये तो दूसरा कॉल सही है, लेकिन पहला वाला सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं अगले सवाल पर। दर्ज ज़ेल में कौन सी सवानी किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है, यानी इनमें से कौन सी किताब हाली की नहीं है? तो आबे हयात ये हाली की नहीं है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, बाकी सारी किताबें जो है इन्हीं की है। फिर आगे है अख्तरुल ईमान की खुदनवीसी इस्ताबात खराबे का मुकदमा किसने लिखा? तो इनकी बीवी ने लिखा था, सुल्ताना ईमान ने। और ये जो है सबसे पहले महमूद अयाज का एक रिसाला निकलता था बैंगलोर से सौगात के नाम से, उसी में ये किस्तवार शाये हुआ था। तो मुकदमा पूछा है किसने लिखा? सुल्ताना ईमान ने। फिर अगला है कि मैंने मिर्ज़ा की तसनीफात को दोस्तों से मुस्ताल लेकर जमा किया, और जिस कदर उस में उनके हालात और अखलाक आदात का सुराग मिला, कलम बंद किया, जो बातें अपने जहन में महफूज थी या दोस्तों की ज़बानी मालूम हुई उनको भी जब्त तहरीर लाया, मरकूज़ा बाला इकतबास किस सवानी किताब में माखूज है? ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मैं मिर्ज़ा, यानी हाल ही ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा है। तो हाल ही ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में इसमें किस में हो सकता है? तो यादगार गालिब में ही होगा, क्योंकि गालिब के बारे में ही है। और देखिए सारी जो किताबें लिखी हुई हैं ये सब जो है, इसमें ये वाली किताब मिर्ज़ा गालिब के बारे में है, पहली वाली। आते हैं अगले सवाल पर। 104 में है, मैंने एक ज़माने में अपनी मंजूम सवाने लिखने का इरादा किया था, जो ख्वाहिश तकमील को तो नहीं पहुंची, मगर उसके कुछ हिस्से हो गए थे। आगाज़ किया था, यानी आगाज़ इस तरीके से किया था, इस जहां गुल बुलबुलो जान बुलबुलो जाख रहेगा, ठीक है, बुलबुलो जाग में उत्तर हिंद के छोटे से गांव में, एक कार्तिक की ठिठुरती हुई रात में और शब के पिछले पहर तारों की छाव में, फूस के एक छप्पर में पैदा हुआ, हस्ब दस्तूर कुछ देर रोया किया, और फिर जैसे ही जैसे जी को करार आया और जैसे दारुल दारुल हुस्न साजगार आ गया। मरकूज़ा बाला तहरीर अशार किसने अपने खुदनविश्त में लिखा है, यानी ये जो शेर लिखा गया है ऊपर ये किसने अपनी खुदनविश्त में लिखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में है, ये 15 बाब पर है। कितने बाब पर है? 15 बाब पर है। और इसका जो बाब नंबर 3 है, बाब नंबर 3 की शुरुआत जो है इसी शेर से होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अख्तरुल ईमान। फिर आते हैं अगले सवाल पर। शिबली की तहरीर करदा अल फारूक किसकी सवाने? अल फारूक में हजरत उमर रज़ील्लाहु तआला अन्हु। तो 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर। मौला खाका मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी का मुकदमा किसने लिखा था? तो इसका मुकदमा किसने लिखा था? मौलवी अब्दुल हक। 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 107 पे आते हैं। खतूत गालिब को गालिब के खतूत के नाम से मुख्तलिफ जिल्दों में किसने मुरतब किया था? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खलीक अंजुम। अगला है सवाल नंबर 108। सफ़रनामा मुसाफिरालय लंदन अज सर सैयद को किसने मुरतब किया है? इसको किया है शेख मोहम्मद इस्माइल पानीपति ने। फिर अगला सवाल है, दर्ज ज़ेल में किस सफ़रनामे का पेश लफ्ज़ सयाह की मुनाजात के उनवान से है? तो 109 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इब्न बतूता के ताकुब में, ऑप्शन नंबर एक होगा इसका, ठीक, ऑप्शन नंबर एक। 109 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल, यहाँ पर एक इबारत लिखी हुई है, हिंदुस्तानी शौहर और तालीब याफ्ता बीवी के दरमियान जो खींचतान मिलती है उसका सबब ये भी है कि शौहर चारपाई पर हुकूमत करना चाहता है और बीवी ड्राइंग रूम में घंटी बजाती है। रोशन ख्याल बीवी शोहरत की आरजूमंद होती है, दूसरी तरफ शौहर ये चाहता है कि बीवी तो सिर्फ फर्द खानदान होने पर सब्र करने और खुद फख्र खानदान नहीं बल्कि फख्र कायनात करार दिया जाए। तो मरकूज़ा बाला इंसाइये के इकतबास के मुसन्निफ़ कौन है? यानी ये इबारत जो दी गई है किसकी इबारत है? रसीद अहमद सिद्दीकी
का हिसाइया है, चारपाई उसी में ये है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सर सैयद अहमद खान की कोशिशों से मदरसा मदरसतुल उलूम मुसलमाना ने यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का कयाम कब अमल में आया? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, और मोहम्मदन पहले तो मदरसा था, मदरसतुल उलूम, मदरसतुल उलूम जो कायम हुआ था 1875 में, मदरसतुल उलूम की जो बुनियाद हुई थी 1875 में, और 2 साल के बाद 1877 में ये हो गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका जवाब 1877 होना चाहिए कि जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही वाला। ठीक है, अगला सवाल है। सबसे पहले किसने इस ख्याल का इजहार किया कि उर्दू शायरों में इहाम गोई का रवाज हिंदी दोहों दोहरों नहीं है दोहों के जेर असर हुआ, हिंदी दोहा? तो ये किसने कहा था? ये जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, 112 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर 113 है, 1825 में दिल्ली कॉलेज के कयाम के साथ ही किसे उसका प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया? तो दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल टेलर था। ठीक है, तो 113 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, J.H. टेलर। अगला सवाल 114 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ रहेगी यानी छपने वाली किताब, तो इसका जवाब हो जाएगा बागे उर्दू। अगला सवाल है, हल्के अरबाब ज़ौक की सबसे नुमाया शख्सियत कौन थे? हल्के अरबाब ज़ौक का नुमाइंदा शायर किसे कहा जाता है? मीरा जी। हल्के अरबाब ज़ौक का नुमाइंदा शायर मीरा जी, हालांकि सभी का ताल्लुक उसी से है, यूसुफ ज़फ़र, कयूम नज़र, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे नुमाया नुमाइंदा शायर मीरा जी हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ेल के किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है? दिल्ली से किसका ताल्लुक है? ये जो पंडित दयाशंकर नसीम, ये तो लखनऊ वाले हो गए, वज़ीर लखनवी हो गए, और ये जो है मिर्ज़ा ओस्त अली रश्क जो है ये भी हो गए। इसका जवाब हो जाएगा नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, जिन्होंने तस्करा गुलशन बेकार लिखा था। आते हैं सवाल नंबर 117 पर, रद्द तश्कील का नज़रिया किसने पेश किया था? रद्द तश्कील का फ़लसफ़ा, तो ये हो जाएगा ज़ाक दरेदा रहेगा। ठीक है, तो 117 का ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले सवाल पर, 118 पर, दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया के पहले नाज़िम कौन थे? तो इसके पहले नाज़िम हो जाएंगे मौलवी अब्दुल हक। फिर आते हैं अगले सवाल पर, ज़ेल के किस अदीब का ताल्लुक रोमानवी तहरीक से था? रोमानवी तहरीक से कौन है? तो ये हो जाएंगे सज्जाद अंसारी। फिर अगला सवाल है, जदीदियत की फ़लसफियाना असास, ये किसकी किताब है? ये किताब है शमीम हनफी। अगला सवाल है कि किसी शहर बस्ती या मुल्क में रोनुमा होने वाले फितना फसाद या तवायफ मलूकी जैसे हालात पैदा होने वाली मुसीबत और मसाइल का जिक्र किसमें होता है? ये सारी बातें किसमें होती हैं? तो ये हो जाएगा शहर आसूब, वासोक नहीं होगा, वासोक में मासूका को जली कटी सुनाई जाती है, इसका जवाब हो जाएगा शहर आसूब। अगला सवाल है, शुमाली हिंदुस्तान में रेखती की ईजाद का सेहरा किसके सर पर है? रेखती का मूजिद कौन है? रेखती का मूजिद रंगीन, लेकिन इंसा ने भी जो है रेखती कही है, इंसा ने दरियाए लताफत में खुद ही कहा है कि रेखती के मूजिद रंगीन है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा रंगीन। अगला सवाल, सिर्फ हाइको को उर्दू अदब में सबसे पहले किसने अपने रसाले में मुतारिफ कराया था? तो शाहिद अहमद देहलवी, इनका एक रसाला निकलता था साकी के नाम से, और उसी में जो है इस सिंफ को रवाज मिला, जैसे नज़्म मुर्रा नहीं है, नज़्म मुर्रा को किस रसाले में रवाज मिला था? तो अब्दुल हलीम सरर एक रसाला दिलगुदाज निकालते थे, तो दिलगुदाज में नज़्म मुर्रा को फ़रोग मिला, उसी तरीके से हाइको जो एक सिंफ थी उसको शाहिद अहमद देहलवी के रसाला साकी में फ़रोग मिला। ठीक है, 123 तक हम लोग पहुँच गए। फिर आते हैं अगले सवाल पर, रिपोर्टाज किस जबान का लफ्ज़ है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी जबान का लफ्ज़ है। फिर अगला सवाल है 125 नंबर, पेशकश के एतबार से रेडियो फीचर को जिन दो ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है उसकी निशानदेही कीजिए, तो इसका जवाब जाएगा बयानिया फीचर और ड्रामाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ज़ेल में इदारिया निगारी के लिए कौन सा जवाब दुरुस्त नहीं है?
इदारिया निगारी के लिए कौन सा जवाब दुरुस्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इदारिया का किसी अखबार की फिक्र का तर्जुमान होना गैर ज़रूरी होता है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। तो 127 पे आते हैं, किताब है तर्जुमा का फन और रवायत के मुरत्तब कौन है? इस नाम से किसने किताब लिखी है? कमर रईस, ऑप्शन नंबर ए, 127 का ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं अगले सवाल पर, 128 तराइले में कितने मिसरे होते हैं? तराइले में होते हैं 8 मिसरे, ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, 129 नज़ीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा दर्ज जेल में से किस हयत में लिखी गई है? आपने बताया था कई बार इसको कि नज़ीर अकबर आबादी की ज़्यादातर नज़में मुखम्मस की हयत में लिखी गई हैं, तो 129 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, किताब अदबी स्क्रिप्ट है रहेगा, यहाँ पे है ये स्क्रिप्ट है, तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ हैं मुशर्रफ अली ज़ौकी, 130 का ऑप्शन नंबर बी एकदम दुरुस्त है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, मुकदमा ये तारीख़ ज़बान उर्दू का पेश लफ्ज़ किसने लिखा? तो ये किताब किसकी है? ये किताब है मसूद हुसैन खान, और इसका पेश लफ्ज़ किसने लिखा? मसूद हुसैन खान ने ही इसका पेश लफ्ज़ लिखा है, तो 131 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। फिर आते हैं 132 पर, मुसन्निफ़ की हिंदुस्तानी और उर्दू ज़बान व अदब से मुतालिक तहरीरों तकरीरों और मुकदमों का मजमूआ कौन सी किताब है? ये कौन सी किताब है? इसमें इसका जवाब है नकूस सुलेमानी, बिल्कुल दुरुस्त है ये, तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पर, ब्रजभाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवागर हुई? ब्रजभाषा किस में हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वीं सदी में, ठीक है। 16वीं सदी में ब्रजभाषा को बहुत फ़र्ग हासिल हुआ, और 16वीं सदी में ही जो है सूरदास वगैरह ने अदबी लिबास पहना, यानी कि ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फिर अगला सवाल है कि 12वीं सदी ईस्वी के और आखिर से शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू ने किस बोली का रूप इख्तियार किया? 12वीं सदी में तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। इसका जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली, ठीक है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, उर्दू का आगाज़ खड़ी बोली का आगाज़ है। खड़ी बोली 11वीं 12वीं सदी में अपभ्रंश से उभरी और जो दिल्ली मेरठ मुरादाबाद वगैरह में बोली जाती थी, तो ये किसका कौल है? ये ज्ञानचंद जैन का कौल है ये, ठीक है, ज्ञानचंद जैन का कौल है। देखिए ऊपर वाला जो सवाल है इसको अगर इसी में इसका जवाब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसलिए दोनों की इबारत को देखिए, 134 135 को, कि 12वीं सदी ईस्वी के और आखिर में शुमाली हिंद में उर्दू ने किस बोली का रूप इख्तियार किया? यहाँ खड़ी बोली हमने बताया, और फिर उसका जवाब इसी में लिखा हुआ है कि उर्दू का आगाज़ खड़ी बोली का आगाज़ है, और यह 11वीं 12वीं सदी, यानी इसका जवाब जो है अगर देखेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसमें मिल जाएगा। तो 135 का जवाब, 134 का जवाब जो है 135 में दर्ज है, ठीक है। तो 135 का जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। आते हैं अगले सवाल पर, 136 नंबर, सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किस किताब में उर्दू की जाय पैदाइश सिंध को बताया है? सिंध में जो पैदा हुई है वो नकूसे सुलेमानी, 136 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 136 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, 137 वो अलामत जो अनफियत को ज़ाहिर करती है, वो अलामत जो अनफियत का मतलब जो होता है जो नगुन्ना की आवाज़ होती है, जो नू की आवाज़, जैसे नू मीम जो नाक से आवाज़ निकलती है उसको अनफी आवाज़ें कहते हैं, तो किसको जाहिर करती है? ये लेसाई रहेगा, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा लेसाई, ये से लेसाई है, ठीक है, लाम से अलिफ हम जाइए देरी, ठीक है, ये लाम से रहेगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बड़ी सीन नहीं रहेगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी किताब है? उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी किताब है? शमसुर्रहमान फारूकी की किताब है, ठीक है, 138 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है,
शमसुर रहमान फारूकी। फिर आते हैं सवाल नंबर 141 पर, इनमें से कौन खालिस हिंदी आवाज़ें हैं। खालिस हिंदी, आपको मालूम है कि पे, चे, गाफ और बड़ा ज़े, ये चार जो है फारसी के हैं। इसके अलावा जो है ये फे जो लिखा हुआ है, पे दो चश्मिया, ये जो है हिंदी के हैं। ठीक है, ये जो है हिंदी के, ये फारसी के हो गए, ये तो अपने आप ये हिंदी के हो जाएगा, और फे वैसे भी हिंदी है, तो चलिए हो गया। फिर आगे आते हैं, लसानियात की पहली सतह कौन सी है। लसानियात पहली सतह, सौती, सरफी, नावी, मानवी, सब होता है ना, तो सौतियात से शुरुआत होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा आप 140 का ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं अगले सवाल पर 141। 141 कसीदा दर नात हजरत सैयदुल मुरसलीन खातमन नबीन में जेल में से कौन सा काफिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले जानिए कि ये कसीदा लिखा किसने है। हुआ जो कुफ्र है, इस तरीके से उनका तो कसीदा था ना सौदा का, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये कसीदा सौदा का है और उसी में जो है ये रदीफ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परेशानी। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है इसका काफिया जो आया है वो परेशानी ही आया है। ठीक है, और ये चार बार आया परेशानी, तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं 142 नंबर पर, सौदा ने किस कसीदे के मक्ता में कसीदे का नाम लिखा, नज्म किया है। तो कसीदा ये तजहीक रोज़गार है, जो आखिरी वो है आखिरी शेर, उस पर उन्होंने इस नाम को भी दर्ज किया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 143। अफसोस हमारे पहलवान सुखन का इंतकाल हो गया, तो ये बात किसने कही थी, ये रद्द अमल किसकी वफात पर है। तो जब सौदा का इंतकाल हो जाता है, सौदा का इंतकाल, तब उन्होंने ये हातिम ने ये बात कही थी कि मेरा पहलवान सुखन मर गया, इस तरीके से था। तो ये बात किसने कही थी, हातिम ने कही थी सौदा के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 डी। एक सौ चौवालीस है, सौदा के किस कसीदे को फौजी निज़ाम का नौहा कहा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा तजहीके रोज़गार, क्योंकि तजहीके रोज़गार में एक घोड़े की हजू की गई है। ठीक है, लेकिन एक घोड़े के ज़रिए जो है, जो उस वक्त की जो है हुकूमत थी और फौज थी, उसकी जो है फौज की बदतरी का नौहा है, समझ लीजिए ये। ठीक है, जो फौज थी और सरकार का जैसा निज़ाम था उस वक्त के बादशाह का निज़ाम था, और फौज कह सकते हैं अपडेट नहीं थी, पुराने मॉडल के सब उसके पास हथियार थे, और जितने घोड़े थे सब बीमार थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो घोड़े की हजू के साथ साथ जो है फौजी निज़ाम का नौहा, या कह सकते हैं कि फौजी निज़ाम की बदतरी उसमें बयान की गई है तजहीके रोज़गार में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर, रजस को मसनवी का पेशेरो किसने कहा था। तो ये इसका जवाब हो जाएगा शिबली, 145 का ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पर, मसनवी कदम राव पदम राव नाम किसने तजवीज़ किया था। इसका नाम दरअसल जो है, जब ये इतनी पुरानी हालत, इतनी जर्जर, इतनी खस्ता हाल में ये किताब मिली, तो किसको मिली थी, नसीरुद्दीन हाशमी ने, उन्होंने पढ़ा तो इसके शुरुआत का और आखिरी का पेज फट गया था, पता नहीं चला था इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो नसीरुद्दीन हाशमी ने उस किताब को पढ़ा, और उसके बाद उसमें दो किरदार अहम थे, कदम राव पदम राव, उसी की मुनासिबत से उसका नाम रख दिया कदम राव पदम राव। तो नाम किसने तजवीज़ किया था, नसीरुद्दीन हाशमी ने, बाद में लोगों ने मुरतब किया, जमील जालबी वगैरह ने इसको मुरतब किया। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर, इब्न निसाती ने फूलबन में कितनी सनातों का इस्तेमाल किया है। तो 39 सनातों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कितनी सनात का, 39 सनात का, ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त है। फिर आते हैं सवाल नंबर 148 पर, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई थी। तो ये 1844 में शाये हुई थी लखनऊ से। ठीक है, 148 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त है। आगे आते हैं अगले सवाल पर, मरसिया आरिफ गालिब के किस मजमू कलाम में शामिल है। तो ये गज़लियात में है। ठीक है, गज़लियात में शामिल है। जब उनका दीवान खोलेंगे तो दीवान में जो गज़लियात का पोर्शन है, और उसी पोर्शन में ये शामिल है मरसिया आरिफ। ठीक है, उसमें मुतफरिकात के नाम से भी
है और कसायद के नाम से भी है, मजमुआ कसायद, तमाम तरीके से उन्वान है। तो जो गज़लियात वाला उन्वान है उसी में जो है ये मरसी आरिफ आया हुआ है। ठीक है, आगे और आखिरी सवाल, मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो मीर अनीस का इंतकाल हुआ था 1874 को। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको मालूम है कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है और इसमें एक दो सवाल इधर उधर हो सकते हैं, फिर भी अगर किसी का जवाब आपको गलत लगे तो आप कमेंट में उसको बताएं ताकि उसको सुधार किया जा सके। जो लोग चैनल पर जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।